नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल किंग ऑफ जुगाड़ को। आज हम देखेंगे सैमसंग के फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 4E एरर कोड आने का क्या रीजन है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी के। चलिए आज चार प्रॉब्लम बताएंगे कि 4E एरर आने का क्या क्या रीजन है। पहला है वाटर सप्लाई बंद हो, दूसरा है कि जाम हो फिल्टर, जो इनलेट वाल्व होता है उसमें फिल्टर जाम हो जाए इसके चलते, और तीसरा है सोलेनॉइड वाल्व जो कट गया हो या पूरी तरह से जाम हो गया हो। चौथा पॉइंट है डिटर्जेंट बॉक्स जो है उसके जो छेद होते हैं वो जाम हो जाए, उसके कारण भी ये 4E एरर आता है। सबसे पहले हम लोग पावर सॉकेट को अनप्लग कर लेंगे क्योंकि इससे शॉक लगने का चांसेस रहता है। उसके बाद हम लोग पानी का जो सप्लाई होता है जहाँ से वो मशीन पानी लेता है उसको हम लोग ऑफ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पीछे जो मशीन के पीछे इनलेट वाल्व जो होता है जहाँ पर वो जाली लगी रहती है उसको हम लोग पहले खोलेंगे। प्लायर के मदद से हम लोग पीछे जो इनलेट वाल्व में जो जाली होता है उसको हम लोग खींच कर बाहर निकाल लेंगे। और देखिए ये यहाँ कितना गंदा है और कितना कचरा जमा हुआ है। ये जो होता है हार्ड वाटर के चलते जो कचरा होता है आके यहाँ जमा हो जाता है। मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाली दी गई है। इसको हम लोग सादे पानी से साफ कर लेंगे पहले। इनलेट वाल्व में एक और भी जाली होता है जो सोलेनॉइड वाल्व के अंदर में फिट होता है। इसको हम लोग टूथब्रश से साफ़ कर लेंगे और कपड़े की मदद से उसको धीरे धीरे साफ़ कर लेंगे केयरफुली। इसके बाद हम लोग डिटर्जेंट बॉक्स को हल्का सा प्रेस करके बाहर की तरफ खींच लेंगे जिससे वो बाहर निकल जाएगा। हम लोग मशीन के टॉप को स्क्रू ड्राइवर के मदद से खोल कर अलग कर लेंगे और उसके अंदर जो डिटर्जेंट बॉक्स लगा हुआ है उसमें जितने भी पाइप जुड़े हुए हैं उस सबको अलग सेपरेट करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे। डिटर्जेंट बॉक्स को बाहर निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से सादे पानी से और ब्रश के सपोर्ट से जितने भी उसमें छेद हैं उसको क्लियर कर लेंगे और अच्छी तरह से धोकर फिर वापस उसको उसी तरह से लगा देंगे।
इसके बाद मशीन के सामने फ्रंट में नीचे की तरफ में एक वेस्ट वाल्व लगा रहता है, जिसमें मशीन के ड्रम में जितने भी कचरा और वेस्ट पानी होते हैं उसको हम लोग निकाल कर साफ कर लेंगे। एक बार हम लोग वाटर सप्लाई को चालू करके पाइप में देखेंगे कि पाइप के अंदर तो कोई कचरा तो नहीं लगा फंसा हुआ है। अब पानी अगर सही से आ रहा है तो फिर से हम उस पाइप को मशीन में फिर से फिटिंग कर देंगे। फाइनली हम मशीन के टॉप कवर को फिट करेंगे, उसके बाद मशीन को चेक करके देखते हैं अब मशीन ठीक हुआ या नहीं हुआ। मशीन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, 4E एरर आ ही रहा है अभी। इसका 100% चांसेस है कि अब सोलेनॉइड वाल्व जो है वही चोक किया है, उसको हम लोग नया बदल के फिर देखते हैं। अभी मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, कोई एरर कोड नहीं आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को 4E प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अब आपको कोई भी मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत नहीं, ये प्रॉब्लम अपने से भी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।